हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक बहुत ही बड़ा डेटा निकल कर आया है। कहा जा रहा है कि 2021 की पहली तिमाही में जो एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, ये आज तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। यहां पर कहा गया है कि 95 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया के तरफ से। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन मैं इस वीडियो में इस अचीवमेंट के ऊपर और कुछ बातें नहीं कहूंगा। मैं इस वीडियो में इसी अचीवमेंट से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनके ऊपर फोकस शायद आप और हम ज्यादातर नहीं करते हैं, तो उन्हीं सारी सेक्टर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर इंडिया को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो इसके लिए एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और इसके ओर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कदम भी उठाया गया है। लेकिन दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सा चीज की जरूरत पड़ता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंटेनर। जी हाँ, और ये कंटेनर अभी तक इंडिया में नहीं बनता है एज सच। कुछ हद तक थोड़े बहुत बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कंटेनर या फिर कह लीजिए कि 90% से भी ज्यादा का कंटेनर हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और सिर्फ इंडिया के ही अगर बात करें ऐसा नहीं है, दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश आज के दिन में चाइना से कंटेनर इंपोर्ट करते हैं, और यहीं पर गवर्नमेंट ने अपना नजरिया को गड़ा दिया है। मतलब जब से COVID-19 का पेंडेमिक आया है तब से इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड के चलते चाइना से कंटेनर बहुत ही कम मात्रा में आ रहा था। और इसी के चलते सिर्फ इंडिया ही सफर किया ऐसा नहीं है, वर्ल्ड के हर एक देश को सफर करना पड़ा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कंटेनर बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। और इस कंटेनर बनाने की इनिशिएटिव में गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, ऐसा ही कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। अब दोस्तों कंटेनर बनाया जाएगा ये बात हो गया है, कंटेनर बनाने की प्लानिंग भी हो गया है, लेकिन कंटेनर बनाया कहाँ जाएगा? तो यहां पर कहा जा रहा है कि गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट पे एक क्लस्टर बनाया जाएगा जहां पर गवर्नमेंट के तरफ से सब्सिडी दिया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर को और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात किया जाएगा, जिसके चलते गुजरात के भावनगर में कंटेनर बनाने की हब बनाया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट बहुत पहले से ही चल रहा था, और ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी BHEL के द्वारा, और ये पायलट प्रोजेक्ट हद से ज्यादा सक्सेस भी हुआ था। तो और इसी चीज को देखते हुए कंटेनर बनाने की इनिशिएटिव के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी तक कोई कंटेनर नहीं बना रहा था, अभी भी इंडिया में 4-5 ऐसे कंपनी है जिसके द्वारा कंटेनर बनाया जा रहा था, लेकिन इसके जो नंबर या फिर क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम था। अगर हम कंपनी के बात करें तो उनमें से एक है DCM हुंडई, जो कि 1993 के कंपनी है, और अगर हम बात करें दूसरा तो वो है JK टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये 2000 में बन गया था ये कंपनी। अगर हम बात करें ABC कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड की तो ये कंपनी 2007 से अपना सर्विस दे रहा है, और अगर हम बात करें टेक्नो कैप इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तो ये कंपनी भी 2009 से अपना सर्विस दे ही रहा था। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों के बावजूद भी इंडिया में पर यार 3.5 लाख से भी ज्यादा का कंटेनर की जरूरत है, और ये जो डिमांड है इसको फुलफिल नहीं किया जा रहा था या फिर इन सारे कंपनी के द्वारा फुलफिल नहीं हो पा रहा था, और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट अब इसके ऊपर फोकस किए हैं। अब दोस्तों ये तो गया कंटेनर कौन कौन सा कंपनी बनाएगा। अब दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए लगता है रॉ मटेरियल्स, और यहाँ पर तीन तरीके की रॉ मटेरियल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक तो हो गया स्टील, जिससे वो कंटेनर बनाया जाएगा,
और इस कंटेनर को हल्का या फिर पानी में डूबने से बचाने के लिए लगता है लकड़ी। और तीसरा हो गया जो कलर, मतलब यहां पर वो जिंक लेड बेस इस तरीके की कलर दिया जाता है ताकि कंटेनर में कोई भी किसी भी तरीके की जंग ना लगे। तो दोस्तों स्टील के लिए आपूर्ति कहां से होगा, इसके भी बंदोबस्त गवर्नमेंट के तरफ से कर दिया गया है। दोस्तों यहां पर आर्सेनल मित्तल की एक कंपनी से बातचीत ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है जो कि कंटेनर बनाने के लिए अपना स्टील प्रोड्यूस या फिर प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों ये कंटेनर बनाने के लिए जो स्टील की जरूरत होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर ग्रेड के होते हैं क्योंकि उसमें डस्ट ना लगे, मतलब जंग भी ना लगे। तो इसके लिए फिलहाल आर्सेनल मित्तल की कंपनी से बातचीत कर लिया गया है जो कि स्टील को प्रोवाइड करेगा। और इंडिया में आज के दिन में बहुत सारे बड़े बड़े कलर बनाने वाले कंपनी हैं जिसके द्वारा कलर भी लिया जाएगा। तो कहां से रॉ मटेरियल्स आएगा ये भी बातें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। अब दोस्तों कंटेनर कहां बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो कंप्लीट हो गया, कहां पर बनेगा ये कंप्लीट हो गया, बनने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी बातें कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों बचा क्या, सेल कहां पर किया जाए। अब दोस्तों सेल करने के लिए भी जगह ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया गया है। यहां पर जो शिपिंग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के वहां पर ये बातचीत कंप्लीट कर दिया गया है। और शिपिंग इंडस्ट्रीज के जो बोर्ड हैं उनके द्वारा कहा गया है जब मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया कंटेनर उन लोगों को मिलेगा तब वो लोग बाहर की कंटेनर को यूज नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है उनके लिए भी एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो जाते हैं क्योंकि मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया अगर प्रोडक्ट है तो उसका दाम या फिर भाव भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को भी प्रॉफिट और जो कंटेनर बनाएगा उन सारे कंपनीज को भी प्रॉफिट। और इस कंटेनर बनने के लिए जिन जिन कंपनी से रॉ मटेरियल्स लगेगा उन कंपनीज को भी प्रॉफिट, मतलब हर एक जगह पर विन विन सिचुएशन हो गया। अब दोस्तों ये तो गया पूरी बिजनेस ओरिएंटेड बातें। अब दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्रॉफिट, आज के दिन में कंटेनर बनाने के लिए सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पोजिशन पर है चाइना और दूसरा कोरिया। अब दोस्तों इंडिया भी अगर इस मार्केट पर आ जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट का भी कंटेनर मार्केट में अपना प्रभुत्व बनाया जा सकता है क्योंकि एज सच आज के दिन में कंटेनर मार्केट में उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब देशों की द्वारा। अब दोस्तों यह गया गवर्नमेंट की प्रॉफिट। अब दोस्तों पूरी इस वीडियो में मैंने एक कंपनी का जिक्र आप लोगों के साथ किया था और इस कंपनी के जो शेयर्स के भाव है वो आज के दिन में भी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। तो क्यों ना इस कंपनी के ऊपर फोकस किया जाए। हालांकि ये कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा जो कंटेनर बनाने की पायलट प्रोजेक्ट था वो भी कंडक्ट किया गया। और कोई कंपनी अगर पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट करते हैं तो जाहिर है कि आगे चल के इस कंपनी के द्वारा भी फाइनल प्रोडक्ट या फिर मास प्रोडक्ट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के पास और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट को लोकोमोटिव सेल करते हैं। इसके अलावा पावर डिवीजन में भी इनका अच्छा खासा बोलबाला है। लेकिन इस कंपनी के जो शेयर्स या फिर स्टॉक के भाव है वो आज के दिन में भी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए हैं तो मैं बता दे रहा हूं, कंपनी का नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी गवर्नमेंट का है और आज के दिन में अंडररेटेड है और मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी के शेयर्स के भाव अगले आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं ये तो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आज के दिन में जो सिनेरियो बनता है इसके चलते इस कंपनी का शेयर्स के भाव बढ़ना तय है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों इसके अलावा कलर बनाने वाले कंपनी और स्टील जो कि आज के दिन में आर्सेनल मित्तल से लिया जाएगा, लेकिन अगर ये सेक्टर ठीक तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया तो इंडिया में भी इस ग्रेड के स्टील बनाने के लिए बहुत सारे कंपनी हैं। टाटा भी है, जिंदल भी है, सेल भी है, तो इन सारी कंपनी से भी इस क्वालिटी के स्टील बनाया जा सकता है और उन सारे कंपनीज को भी मिल जाएगा बिजनेस।
तो दोस्तों यही कुछ था इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।